हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन को लेकर के है कि हमें कैलकुलेशन कैसे निकालें जिससे कि मेरा मार्केट में वैल्यू बढ़े, मेरा कस्टमर बढ़े और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे से हो, हमारा लॉस ना हो बिजनेस में। क्योंकि नया हर नए बंदे का आजकल 100 में से 99% से ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं, 1-2% का बंदा ही जो है वो इसमें सक्सेस हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा रीजन है कैलकुलेशन। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आता है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं बिजनेस में, तो आपको ना तो पार्टी बनेगा, और अगर पार्टी बन भी गया तो वो आपको लॉस में चले जाओ, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आती, आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। और कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से लोग अपने काम को बहुत ही जल्दी इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कितना बचना है कितना नहीं बचना है। क्योंकि सब लोगों का, जिनका भी अभी कॉल मेरे पास आते हैं, उनका मानना ये होता है कि अगर यदि हम इस काम को कर रहे हैं, मशीन लगाने के बाद मेरे पास कॉल करते हैं लोग कि हम मशीन लगा चुके हैं, हमें 60 रुपये के जी माल आ रहा है और 75 रुपये 80 रुपये सैकड़ा हमसे लोग मांग रहे हैं प्लेट थाली, तो हम इसमें हमें बचेगा क्या? तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उनका ये इस तरह से सोचना क्यों है, क्योंकि उनको कैलकुलेशन निकालना नहीं आता है। अगर यदि कोई दे रहा है इस रेट पे तो जरूर उसको बचत हो रहा है, बचत हो रहा है जब भी तो दे रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको कैसे सीखना है, उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं कि ताकि आप ये वीडियो देख के कैलकुलेशन कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। बिना कैलकुलेशन के कोई बिजनेस नहीं होता है, बिना कैलकुलेशन के कोई धंधा नहीं होता है, बिना कैलकुलेशन के कोई बंदा कुछ कर नहीं सकता है। तो आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन में क्या होता है, जो भी लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं वो जो मार्जिन अपना रखते हैं मनमाना रख लेते हैं। मनमाना बोले तो वो इतना मार्जिन रख लेते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे कि हम लूट लेंगे लोगों को और कस्टमर भी सामने वाला मूर्ख बन जाएगा, हमसे माल ले लेगा। तो ऐसे धंधा नहीं होता है। धंधा होता है कि अगर आपको लंबा करना है तो आपको अपना मार्जिन कम करना होगा। अपना मार्जिन कम करते हैं तो धंधा आपका लंबा चलेगा, अगर आप मार्जिन ज्यादा रखते हैं तो धंधा आपका चौपट हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से अगर आप काम करते तो कभी धंधा नहीं कर पाओगे, कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिजनेस करने का सबसे सही तरीका जो है कैलकुलेशन पे हमेशा कंट्रोल रखना। कैलकुलेशन पे अगर आप कंट्रोल रखते हैं, कैलकुलेशन आप अच्छे से करते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर यदि आपका मार्जिन 10 पैसे भी एक पीस पे बच रहा है, और अगर मेरा जो अगर हम 20 पैसे बचा रहे हैं, या 20 पैसे में मेरा 500 पीस बिक रहा है, और 10 पैसे पे मेरा अगर 50,000 पीस बिक रहा है, तो वो प्रॉफिट बहुत है। मार्जिन बेशक आपका 10 पैसा, लेकिन 50,000 पीस जा रहा है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा है। अगर आप मार्जिन 10 पैसा की जगह 20 पैसा ले रहे हैं और मेरा 501,000 पीस दिख रहा है, वो प्रॉफिट आपको यहाँ दिख रहा है कि मेरे 20 पैसा हम ले रहे हैं पीस पे, तो प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। माल आपका प्रॉफिट कम हो, लेकिन माल रोज सेल होना चाहिए। माल जितना ज्यादा सेल हो, आपका प्रोडक्ट जितना आपका ज्यादा सेल होगा उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, चाहे प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों ना हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे और बहुत ही मार्केट में आप पार्टी बना लेंगे। तो कैलकुलेशन निकालने का सही तरीका क्या है, ये हम बताते हैं। कैलकुलेशन निकालने का सही तरीका ये है कि जो भी आप माल मटेरियल खरीदते हैं, मान लीजिए कि अगर आप 60 रुपये केजी खरीद रहे हैं, तो 60 रुपये केजी में आप ज्यादा मार्जिन ना, बहुत लोग 50 रुपये अपना रख लेते हैं और 60 और 50 करके 120 रुपये केजी पे उसको निकालना चाहते हैं, उस तरह से काम नहीं होता है। आप अगर यदि मार्जिन रखते भी हैं तो मान लीजिए 60 रुपये केजी आपका पेपर आया है, तो उसमें आप प्लस 20 रुपये ऐड करना है, 30 पैसे इस तक ऐड कर लें, उससे ना करें, क्योंकि उससे आपको माल मिलने वाला नहीं है। और आप अगर करते हैं तो एक पार्टी मिल गया तो मिल गया, लेकिन कुछ दिनों के लिए, पूरे कंटिन्यू के लिए नहीं होता है। तो आप अपना 30% मार्जिन रखें, 30% 35% मार्जिन रख करके अगर आप काम करते हैं तो आपका ना तो लॉस होगा और ना ही तो आपको पार्टी की कमी होगी। कैलकुलेशन करने का सही तरीका है कि मान लो आप 60 रुपये केजी मंगा रहे हो या फिर 50 रुपये मंगा रहे हो, तो 50 + 30 = 80 या 50 + 35 = 85 रुपये। अब आप कहेंगे कि इसमें मेरा लेबर कॉस्ट कहाँ जाएगा, बिजली कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगा, रूम रेंट कहाँ जाएगा? तो सर जी, इतना अगर आप जोड़ते हो स्टार्टिंग में तो आप धंधा बंद कर दो, क्योंकि अगर आप सोच के लगाए हो ये
धंधा किए हो, ये बिजनेस किए हो कि आज हम मशीन लगाया, कल मेरा पेड़ लग गया, पैसा झरने का, तो बहुत ही गलत सोच है आपका और आप इस तरह से काम नहीं कर पाओगे। अपने काम को बंद कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। ज्यादा मार्जिन लोगे तो आपको कोई भी नई पार्टी मिलेगा, कहीं भी आप अपना काम नहीं कर पाओगे। मार्जिन कम रखोगे तो सब जगह चलेगा। ये हम अपने हिसाब से आपको 30-35 करते हैं। अगर यदि इसमें भी गुंजाइश हो सकते हो और कम करने की मार्जिन, तो कर सकते हो। और ये कैसे करोगे, इसके लिए एक और वीडियो हम डालेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको बताएंगे कैसे आपको मार्जिन कम होगा आपका और कैसे आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। पीछे मेरा वीडियो बना है, एक बोरा में कितना पैकेट होना चाहिए और एक पैकेट में कितना पीस होना चाहिए, ये आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये भी जानना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। और एक और भी बना है, मार्केट में कस्टमर कैसे बनाएं, कुछ उस पर भी टॉपिक बताया गया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उस पर भी जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। और मार्केट में कस्टमर बनाने का उस पर भी आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी। अब आप तो मार्जिन की बात कर रहे थे, कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, तो कैलकुलेशन अक्सर कम रहने से क्या होता है कि पार्टी जो है ज्यादा आपका वैल्यू देगा। अगर कहीं पे अभी आपका माल कुछ डैमेज भी चला और मार्जिन आपका कम आपको रहेगा तो जुड़ा रहेगा, इसलिए आप अक्सर मार्जिन कम रखें। कैलकुलेशन जब करते हैं तो 60 रुपए का माल आया प्लस 30 से 35 ऐड करें, अगर 30 करते तो 90 हो गया, 90 में उसको डिवाइड करें कि कितना मेरा पीस निकल रहा है, कितना पीस निकल रहा है, उसके बाद जितने एक पीस का जितना आंसर आता है उतना का आप जितने पीस का पैकिंग कर रहे हैं उतने हिसाब से आप उसको कर सकते हैं और उसके बाद पैकेट का उतना रेट लगा सकते हैं। वो हम आपको अभी दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करना है। दोस्तों कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, बिना कैलकुलेशन के कोई बिजनेस नहीं होता है, बिना कैलकुलेशन के कोई धंधा नहीं होता है, बिना कैलकुलेशन। तो जैसे कि रोल हमारा अगर 50 रुपये के जी है तो 50 प्लस इसमें हम करेंगे 40 रुपये, ये छोटे आइटम पे लिया जाता है, ये दोनों मिला के होता है 90। 90 को डिवाइड करेंगे हम 6 इंच का प्लेट अगर बनाते हैं तो 90 का डिवाइड करेंगे 400 पीस से, तो 400 पीस से डिवाइड करने के बाद ये मेरा आंसर आता है 0.225, यानी कि 22.5 पैसा एक पीस का होता है। ये एक पीस का रेट है। अब इसको हम गुना करेंगे 25 पीस या 24 पीस, जो भी आपका पैकिंग हो, पैकिंग अपने अनुसार रखना। ये एक पीस का रेट हम निकाल दिए आपको, ऐसे ही सबको रेट निकालना है। इस तरह से रेट निकालने के बाद अगर हम 25 पीस से करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है 25 पीस का 5.62 रुपये, 62.5 पैसा। लेकिन इसको हम करेंगे 22 पीस से, अभी जो चल रहा है, तो 22 पीस से करते हैं तो ये 4.95 रुपये पैकेट पड़ता है, और 24 पीस से करने पे ये आपको 5.40 रुपये का पैकेट पड़ता है। लेकिन लोग 24 पीस वाला अभी जो बेच रहे हैं 6.5 रुपये का बेच रहे हैं। इस हिसाब से आपको इसका कैलकुलेशन करना है। और अगर यदि हम पानी पूरी गोलगप्पा वाला करते हैं तो ये 50 प्लस 40 किए 90 हो गया, 90 को डिवाइड किए 700 पीस से, लेकिन 700 पीस सबका नहीं निकलता है, 600 पीस कन्फर्म है कि निकलता है। 600 पीस के हिसाब से करते हैं तो 15 पैसे का एक पीस पड़ता है। तो अब हम इसको करेंगे 15×24, ये पड़ जाता है 3.60 रुपये का एक पैकेट, जो कि 24 पीस का तैयार हो रहा है। लेकिन मार्केट में लोग इसे 4 रुपये का बेचते हैं। आप अपने अनुसार से इसमें आप कर सकते हैं 24 पीस या 22 पीस। 22 पीस करते हैं तो 3.30 रुपये का पड़ता है, 3.5 तक आप इसको आराम से बेच सकते हैं। तो ये हो गया गोलगप्पा। इसमें मार्जिन आप अपने हिसाब से, हम 40% लगाए हैं, आप अपने हिसाब से 35%, 30%, 25% भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए, अगर हम, ये तो हो गया प्लेट का, जो भी साइज हो प्लेट का सिल्वर में आपका रेट निकाल सकते हैं। उसके बाद इसका जो आ जाता है वो है थाली का। तो थाली 60 रुपये का केजी आ रहा है, विशाल पत्ता प्लस 30 कर दिए 90 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम 77 पीस से, क्योंकि एक केजी माल में आपको 75 से 80 के बीच ये निकलता है, तो उसको हम 90 को डिवाइड करेंगे 77 पीस से, तो एक पीस का आंसर आता है 1.16 रुपये। अब 1.16 रुपये का गुना करते हैं 100 से, तो ये आपका सैकड़ा जो हो जाता है 116.83 रुपये सैकड़ा हो जाता है। अब ये 100 पीस का है, ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम 1000 पीस का बोरा बनाते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1116 रुपये। लेकिन हर किसी का 1116 रुपये का कोई नहीं बेचता है, क्योंकि कोई किसी का ही बोरा में 1000 पीस नहीं होता है, क्योंकि पैकिंग कोई 50 पीस का करता ही नहीं है। कोई 40 पीस का पैकिंग करता है, तो कोई 20 पीस का पैकिंग करता है, तो कोई 25 का करता है। ये हम आपको सैकड़ा का हिसाब बताए हैं।
अब इसी में कुछ लोग जो कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि मेरे पास में लोग 800 का बोरा मांग रहे हैं, 700 का बोरा मांग रहे हैं, ये जो हम थाली वाला कैलकुलेशन किए हैं तो ये हम 13 इंच का किए हैं, 13 इंच साल पता, ये ध्यान रहे ये 13 इंच का है। अगर 12 इंच का करना हो तो इसी तरह से आप वो भी कर सकते हैं, उसका पीस जो है 90-92 पीस 1 kg में निकलता है, तो वो आपको वैसे कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद अगर यदि कोई कहता है कि मेरे पास में 850 का आ रहा है, 900 का आ रहा है, तो ये ज़रूर आपका ध्यान में रहे कि 1000 पीस किसी का नहीं होता है, ज़रूर उसमें पैकेट में पीस कम होंगे, तब वो 850 का 900 का दे रहा है। जो बंदा 1000 का देगा उसको कम से कम तो ये जो है आपको 1100 रुपये का बोरा पड़ेगा ही पड़ेगा, 1100, 1050, 1100 का लोग बेचेंगे, क्योंकि कोई 30% लगाता है, कोई 25, कोई 35, कोई इस हिसाब से सलो लगाते हैं इसे परसेंटेज, उसी हिसाब से आपको भी काम करना है। जैसे हम कैलकुलेशन के लिए आपको बताएं 40% और 30%, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप इसमें परसेंटेज लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 20% में मेरा मार्जिन ठीक ठाक है तो 20% से कैलकुलेशन कर लें, अगर आपको लगता है कि मेरा मार्जिन 25% से ठीक ठाक आता है तो 25% से कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन करने का तरीका यही है, परसेंटेज का तरीका आपको अपने हिसाब से लगाना है कि 30% लगाना है कि 25% लगाना है, जिससे कि आपको मार्केट में रेट अच्छे से मिल सके और आप अपना काम को अच्छे से कर सकें। और ये सारा जो हम कैलकुलेशन बताए हैं सारा 100 GSM के पेपर में है, जितना छोटा आइटम है सारा सिल्वर है जो 50 रुपये kg है, और जो 60 रुपये kg कैलकुलेशन किए हैं वो आपको साल पता में है। सब ध्यान रहे कि 100 GSM का कैलकुलेशन हम किए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ही आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और तो ही अपने काम में आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर यदि आप चाहेंगे कि हम मशीन लगाएं और एक बार में हम सारा प्रॉफिट एक ही बार में कमा लें, एक ही महीने में अपना मशीन का पैसा निकाल लें, तो इतना आसान नहीं है इस बिजनेस को करना और इतना आसान नहीं है मार्केट में अपने आपको आगे बढ़ाना, सर्वाइव करना, क्योंकि कोई भी जो मार्केट में बैठा है बंदा मूर्ख नहीं है, आपसे ज़्यादा होशियार है और आपसे पहले उसको कोई माल दे रहा है, तो आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें तो ही इसमें आपकी भलाई है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।